श्रद्धालु भक्तजनों नमस्कार। भक्तजनों, आज मैं आपको महाभारत के मुख्य पात्र कुंती पुत्र पांचों पांडवों की अंतिम यात्रा से जुड़ी एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाऊंगा। भक्तजनों, इस कथा में आप जानेंगे कि महाभारत युद्ध जीतने के बाद कुंती पुत्रों का अंतिम समय कैसे बीता और कहां बीता, सभी पांचों पांडवों में आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी में से केवल युधिष्ठिर को ही स्थूल शरीर सहित स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हो गई, आखिर बाकी पांडव शरीर स्वर्ग में क्यों प्रवेश नहीं कर पाए और उनका हुआ क्या। तो प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं पांडवों की अंतिम यात्रा से जुड़ी यह रहस्यमयी कथा के बारे में। प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण सहित पूरे यदुवंशियों के मारे जाने से दुखी सभी पांचों पांडवों ने भी परलोक जाने का निश्चय कर लिया और इसी क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े, जहां युधिष्ठिर को छोड़कर द्रौपदी, भीम, अर्जुन, सहदेव और नकुल स्थूल शरीर को त्याग कर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। परंतु युधिष्ठिर बिना स्थूल शरीर को त्यागे ही शरीर स्वर्ग पहुंच जाते हैं। लेकिन भक्तजनों, कहा जाता है कि युधिष्ठिर को अपनी एक गलती के कारण कुछ समय तक नरक में भी बिताना पड़ा। कथा के अनुसार पूरे सफर में उनके साथ एक कुत्ता भी स्वर्गलोक को गया था। भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि वह कुत्ता कौन था तथा पांडवों को स्वर्ग पहुंचने से पूर्व किन किन कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा था। प्रिय भक्तजनों, पूरी कथा कुछ इस प्रकार है। जब द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई तो यह दृश्य देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। अर्जुन यदुवंश की स्त्रियों एवं द्वारका वासियों को लेकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चलने लगे। रास्ते में पंचनद देश में अर्जुन ने पड़ाव डाला। वहां रहने वाले लुटेरों ने जब देखा कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर जा रहे हैं, तो धन के लालच में आकर उन लुटेरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन फिर भी वे नहीं माने और लूटपाट करने लगे। तब अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई। अर्जुन ने देखा कि कुछ देर में ही उनकी तरकस के सभी बाण अचानक समाप्त हो गए। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगे, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और यदुवंश की स्त्रियों को लेकर भाग गए। जरूरत पड़ने पर अर्जुन का अस्त्रों का ज्ञान लुप्त हो जाना, धनुष पर काबू नहीं चलता, अक्षय बाण भी समाप्त हो गए। यह देखकर अर्जुन को बहुत दुख हुआ। प्रिय भक्तजन, जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों एवं बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंच गए। यहां आकर अर्जुन ने वज्र श्री कृष्ण का पोता को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया। रुक्मणी, सैब्या, हेमवती तथा जामवती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गई, शेष वन में तपस्या करने के लिए चली गई। बूढ़ों, बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुंचे। यहां आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण, बलराम सहित सारे यदुवंशी समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा कि यह सब इसी प्रकार होना पहले से ही तय था, इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। तब अर्जुन ने यह भी बताया कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों को हर कर ले गए और वे कुछ भी नहीं कर सके। अर्जुन की बात सुनकर महर्षि वेदव्यास ने कहा, वे दिव्य अस्त्र शस्त्र जिस उद्देश्य से तुम्हें प्राप्त हुए थे वह उद्देश्य पूरा हो गया था, इसलिए वे अपने स्थान पर पुनः चले गए। महर्षि ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय भी आ गया है और यही तुम सबके लिए श्रेष्ठ भी होगा। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर गए और वहां उन्होंने पूरी बात महाराज युधिष्ठिर को बता दी। प्रिय भक्तजनों, जब अर्जुन से यदुवंशियों के नाश की बात सुनकर युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महर्षि वेदव्यास की बात मानकर द्रौपदी सहित
सभी पांडवों ने राजपाट त्याग कर परलोक जाने का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल करने का भार सौंप दिया और परीक्षित का राज्याभिषेक भी कर दिया। इसके बाद युधिष्ठिर ने सुभद्रा से कहा कि आज से परीक्षित हस्तिनापुर का तथा वज्र इंद्रप्रस्थ का राजा है, वही यह का शासन करेंगे। अतः तुम इन दोनों पर समान रूप से स्नेह रखना, मार्गदर्शन करते रहना भक्तजनों। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वसुदेव व श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण व श्राद्ध करने के बाद पांडव और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। भक्तजनों, कहा जाता है कि पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी स्वर्ग के लिए उनके साथ चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों व समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव धनुष व अक्षय तरकसों का त्याग नहीं किया था, तभी वहां अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से गांडीव धनुष और अक्षय तरकसों का त्याग करने के लिए कहा। तब अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष का त्याग किया। इसके बाद सभी पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। प्रिय भक्तजन, यात्रा करते करते पांडव सुदूर हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांग कर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन भी किए और वहां से पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वह कुत्ता तेजी से आगे की यात्रा पर चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा, हे भ्राता, द्रौपदी ने कोई पाप नहीं किए थे, फिर भी क्या कारण है कि वह नीचे गिर गई? युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ है। यह कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने फिर सहदेव के गिरने की बात पूछी तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण आज इसे गिरना पड़ा है। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल अपने को अपने रूप पर बहुत अभिमान करता था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई है। भक्तजनों, इसके बाद जब थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन भी स्वर्ग लोक पहुँचने से पहले ही गिर गए तो अर्जुन की इस गति के बारे में युधिष्ठिर ने भीम को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर फिर आगे बढ़ गए। भक्तजनों, थोड़ी दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन किया करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ रहा है। भीम से इतना कहने के बाद युधिष्ठिर आगे चल दिए। अब युधिष्ठिर के साथ केवल वह कुत्ता ही आगे चलने लगा। प्रिय भक्तजनों, कथा के अनुसार युधिष्ठिर को छोड़कर सारे द्रौपदी सहित चारों पांडव आकाश से धरती में गिर गए और उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी आत्मा सीधे स्वर्ग लोक को पहुंच चुकी थी। अब केवल युधिष्ठिर अपने कुत्ते के साथ आगे बढ़ने लगे। युधिष्ठिर को देखकर देवराज इंद्र स्वयं अपना रथ लेकर युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए आए। युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ यह कुत्ता भी अंदर चलेगा, लेकिन इंद्र ने कहा कि नहीं, यह कुत्ता नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि अगर मेरा कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसने मेरी सेवा की है, यह नहीं जा सकता, तो मैं भी स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं करूंगा। और युधिष्ठिर ने बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए मना कर दिया। उसी समय कुत्ते के रूप में भगवान यमराज अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने अपने धर्म का पालन किया है, मुझे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। और इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ पर बैठाकर सीधे स्वर्ग ले गए। तो यह कथा थी भक्तजनों, पांडवों के स्वर्ग रोहन की पूरी कथा। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तजनों, उपरोक्त पांडवों के स्वर्ग लोक जाने वाली यह रहस्यमय अद्भुत जानकारी आपको कैसी लगी, हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी दुर्लभ जानकारी वाले वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, साथ ही पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।